हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्क एनर्जी पावर में 31 ईयर वाले सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। एक चाइल्ड है इज सिटिंग ऑन ए स्विंग। स्विंग मतलब झूला। एक बच्चा है वो झूला झूल रहा है। झूला कुछ ऐसे है उसका, ठीक है। ये उसका झूला ऐसे बना देता हूँ और ये ग्राउंड से कुछ एच हाइट पर है। ये इस तरह से आर्क में बच्चा झूला झूलता है और ये कभी उसका झूला इस तरह से भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, इस टाइप से ऐसे झूला होता है, ठीक है जी। तो ये कहता है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस स्विंग इज 0.75। मिनिमम है मतलब यहाँ मिनिमम है 0.75 मीटर, ये जो हाइट है वो मिनिमम है। और ये जो 2 मीटर का हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, है ना। इससे ऊपर उसका झूला नहीं जा सकता। तो कहता है कि मैक्सिमम स्पीड निकालिए। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा। मैक्सिमम स्पीड इस बच्चे का कहाँ होगा यार। ऑब्वियसली जो मैक्सिमम स्पीड है वो लोएस्ट पॉइंट पर यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन करा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करा दो। तो लोएस्ट पॉइंट पे मान लो यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम है, इधर की डायरेक्शन में स्पीड मैक्सिमम है। तो स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी mgh1। और उस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh2। तो यहाँ से वेलोसिटी जो मैक्सिमम हम लोगों को दिखेगी वो दिखेगी 2g और वो है h2 - h1 √। दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2 और g की वैल्यू 10 और h2 कितना भाई, h2 है 2 और ये 0.75 √। इसको सॉल्व करो तो 0.715 घटाओगे तो 1.25 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 150, 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 √, मतलब 5 m/s इसकी स्पीड होगी जो कि लोएस्ट पॉइंट पे होगी। है कोई, हाँ है, बी ऑप्शन हम लोग का सही है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता है 2 स्प्रिंग हम लोग के पास। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का अलग अलग है, ठीक है। बट हमें स्ट्रेच करना अप्लाइंग द सेम इक्वल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। हमने सेम फोर्स लगा दिया, चलो भैया लगा दिया, ये बहुत अच्छी बात। इफ द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए दिया हुआ तो बी में कितना एनर्जी स्टोर हुआ। समझो हम लोग के पास 2 स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये वाला है और एक स्प्रिंग ये है, ठीक है। अगर इसकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका के ए है और इसका के बी है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि के ए इज इक्वल टू 2 times kb के इक्वल है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग को पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए, ए में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई वो हमें निकालना है। तो ए में एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग क्या होती है बोलो, 1/2 kx का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग। तो ये एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स सेम है तो x एक वेरिएबल है, अलग अलग है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा ना। तो मैं इसको फोर्स के टर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो जब मैं इसको खींचूंगा तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो फोर्स अपॉन के इक्वल आ जाएगा, है ना। फोर्स इज इक्वल टू के इक्वल आ जाएगा। इसको ले जाके यहाँ रखोगे तो एनर्जी ई आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 k और x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब फोर्स का स्क्वायर और यहाँ k का स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाएगा f का स्क्वायर अपन 2 k, दैट इज द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। ये हम लोगों के स्प्रिंग में इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब एनर्जी इस फोर्स सेम है दोनों में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के तो यहाँ कंपेयर कर दो, एनर्जी इन ए एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी इन बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो के ऑफ बी डिवाइडेड बाई के ऑफ ए, ठीक है, इसका मतलब के ऑफ बी, के ऑफ बी तो के ऑफ बी को रहने ही दी ऐसे दो, इसका मतलब के ऑफ ए इक्वल टू टी टाइम्स के ऑफ बी, के ऑफ बी के खत्म हो गया मतलब 1/2, तो कुल मिला के जो एनर्जी इन बी में आ जाएगा दैट इज 2 times एनर्जी इन ए, ये इसका मतलब ये हुआ दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है, मतलब बी में जो एनर्जी होगा वो इसका 2 times होगा, मतलब ये है कि दिस वन इज द करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल, अब हॉरिजेंटल से हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, यहां से हमने हॉरिजेंटल से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी जीरो होती है? नहीं भैया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हमने यू से प्रोजेक्ट किया, थीटा 45 डिग्री है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो इधर होती है और उसकी वैल्यू होती है u cos थीटा, दिस इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट और वो एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, तो u cos थीटा मतलब u cos थीटा रूट 2, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग को वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, क्लियर है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मास m और वेलोसिटी v का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर ओवर 2, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और एम यू स्क्वायर बाई 2, और ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, और लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना एक आ रहा है? k ले लो, ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट पर अगर k ले लिए तो k बाई 2, तो k बाई 2 जो है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, अगर काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, हाँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो k है, हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू k है और वो रूट 245, ठीक है, k बाई 2, बी ऑप्शन सही है, क्लियर है। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालना था। कहता है कि एक फोर्स है और वेलोसिटी है, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते हैं भैया? इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो फोर्स वेक्टर आ गया, यहाँ आ गया 60i कैप और प्लस 15j कैप, ठीक है, और माइनस 3k कैप, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसका इसके साथ डॉट ले लो, 2i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, प्लस 5k कैप, ठीक है, माइनस 4j कैप, ये इसका डॉट, अब इसका डॉट लेने सबको आता है, i का i j का j, तो 60 में 60 से 120, ठीक है, और 15 60, ठीक है, ए ए 120 प्लस 15 चौका 60, माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस है भैया, यहाँ पे हम लोगों को माइनस दिया हुआ है, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 4 और यह आ जाएगा माइनस 15, तो माइनस 15 और माइनस माइनस 60 75 और 120 45, ठीक है, अरे आया समझ में, 75 25, तो ये 45 जो है वो 45 वाट उसका पावर होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है ना, आसान है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है ए मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 100 meter per second, चलो 100 meter per second से हमने किसी मास को ऊपर फेंक दिया, यहाँ से हमने एक मास को ऊपर फेंक दिया, इस तरह से जाएगा, मान लो ये 100 meter, ठीक है, द मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड 100 meter विद 5 seconds एक्सप्लोर इनटू 1 pressure, अब इसको आपको समझना है कि ये 100 meter per second से फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी 100 meter per second, क्लियर है, हाईएस्ट पॉइंट नहीं 5 सेकंड बाद, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम जो है वो 5 सेकंड लग गया, 5 सेकंड बाद ये जो बॉम है यहाँ पर फूट गया, तो 5 सेकंड बाद इसके पास यहाँ पर कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो चलो वो वेलोसिटी मान लेते हैं भी, ठीक है, 5 सेकंड बाद कुछ वेलोसिटी होगी, और उसके बाद ये फूट गया है और दो पार्ट बने हैं, एक पार्ट जो है 400 ग्राम का डाउनवर्ड नीचे आया 25 मीटर पर सेकेंड से, तो दूसरा पार्ट किधर जा रहा होगा, कितने से जा रहा होगा,
आए बात समझ में। यहां से मैंने एक पीस फेंका बम और जाके ऊपर 5 सेकंड बाद फूट गया, तो उसके दो पीस बने, एक तो नीचे आ रहा है और दूसरा किधर जा रहा, कितने जा रहा, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब देखो जो 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम अगर मैं कंजर्व कराऊं, ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंटम कंजर्व कराऊं, कोलिजन एक्सप्लोजन से पहले, फूटने से पहले और फूटने के जस्ट बाद, ठीक है, फूटने के जस्ट बाद और फूटने के पहले मैं मोमेंटम कंजर्व कराऊं, तो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए मुझे यहाँ वेलोसिटी पता होना चाहिए यार 5 सेकंड बाद, तो ये वेलोसिटी मुझे पता ही नहीं है, तो मैं वेलोसिटी पहले निकालूंगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 100 और माइनस जी 10 और टाइम ये 550, मतलब ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद ये वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। अब अगर 5 सेकंड बाद इतनी वेलोसिटी आ जाए तो इसकी इनिशियल मोमेंटम जो बना, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, समझ जाए, कोलिजन से एक्सप्लोजन से पहले इनिशियल मोमेंटम, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मास कितना था इसका 1 kg, तो 1 × 50, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जब एक्सप्लोजन हुआ, ब्रेक हुआ, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा दो पीस बने, एक नीचे आ रहा है, तो इसका मोमेंटम मैं निगेटिव ले लेता हूँ, जो 400 ग्राम का है, तो मास इसका 0.4 kg आ गया, और इसकी स्पीड कितनी है यार, इसकी स्पीड 25 है, ठीक है, इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, और दूसरा नीचे आ रहा ना, दूसरा किधर जा रहा वो मुझे नहीं पता है, वो उसकी स्पीड भी है, और उसका मास कितना होगा 0.6 kg, भाई 1 kg का दोनों था ना, 1 kg का टोटल था, 400 ग्राम इधर, 600 ग्राम इधर, अब इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो मुझे ये बात पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कितनी होगी दूसरे वाले की, तो ये 50 और ये आ जाएगा 100 10, ठीक है ना, 110 और ये आ जाएगा 0.6 V, तो 0.6 V इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 0.6 V दैट इज इक्वल टू माइनस है, तो इधर आ जाएगा 60, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 60 हो गया, तो V इज इक्वल टू 60 और डिवाइडेड बाई 0.6, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और ये पॉइंट हट जाएगा, और 6 से 6 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, ठीक है, और किधर जा रहा होगा ये भी बता दो, ये बात कैसे पता चलेगा किधर जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि कोलिजन से पहले जो नेट मोमेंटम था वो ऊपर था, नेट मोमेंटम ऊपर था, तो जब कोलिजन हुआ, ये बात मुझे पता है कि अगर एक बॉम है उसके दो पीस होते हैं तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए भाई, ठीक है, तो अगर एक नीचे आ रहा तो दूसरा वाला पीस ऊपर ही जाएगा, ठीक है, जिससे नेट मोमेंटम ऊपर हो, ठीक है, नेट मोमेंटम कोलिजन से पहले नेट मोमेंटम ऊपर है, तो कोलिजन के बाद भी नेट मोमेंटम ऊपर तभी रहेगा जब एक अगर नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा होगा और उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। विच हैव काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ, मतलब पहले बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी E1 है और दूसरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी E2 है, तो वो 4:1 है, ऐसा कहा जा रहा क्वेश्चन में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, बट उनकी मोमेंटम इक्वल है, तो रेशियो मासेस मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम पहले वाले की दूसरे वाले की इक्वल है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वी ऑलरेडी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² / 2m, ठीक है, तो बहुत आसान है, मोमेंटम इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इसका मतलब अगर मास का रेशियो निकालना है तो मास ऑफ m1 मास ऑफ m2 इज इक्वल टू E2 / E1, E2 / E1 मतलब 1/4, ठीक है, तो 1:4 इसका सही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मासेस, 1:4, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, आ गया समझ में, आसान था। चलो नेक्स्ट, ये कहता है टू बॉडी ऑफ मास m एंड 4 मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, अब रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है और मास m, एक की मास m है और दूसरे की मास 4m है, और काइनेटिक एनर्जी इसका E1 बराबर है इसकी काइनेटिक एनर्जी E2, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम एनर्जी अभी हम लोग पढ़ के आए, एनर्जी इज इक्वल टू P² / 2m, तो मोमेंटम कितना बनेगा भैया, मोमेंटम बनेगा 2m काइनेटिक एनर्जी E√,
क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास अंडर रूट, बिकॉज एनर्जी क्या है दोनों के लिए सेम है, टू कॉन्स्टेंट है, तो मोमेंटम पी वन अपॉन पी टू की रेशियो मास एम वन अपॉन एम टू अंडर रूट, ठीक है। तो मास एम वन अपॉन एम टू, पहले का मास कितना भैया, तो रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, पहले का मास m है और दूसरे का मास 4m है, ठीक है। तो ये अंडर रूट चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई टू मतलब 1:2 उनके लीनियर मोमेंटम का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आंसर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट ये देखो, ए सेल इज फायर्ड एक्सप्लोड इन टू द फोर इक्वल पार्ट्स। अगर मैं एक बम को यहाँ से फायर करता हूँ, ठीक है, एक गन है, ठीक है, इस टाइप से कुछ गन होती है। अब यहाँ से मैंने एक गन से एक बम सेल फायर किया और वो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे ये जो सेल था वो फूट गया, इस तरह से बहुत सारे पीसेस हो गए, ठीक है, समझ में आया। देयर आर अ लॉट ऑफ पीसेस ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो इसमें से क्या कंजर्व रहेगा, वो क्या पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि जब इसके जब ऐसे था तो मान लो ऐसे अलग अलग पीसेस का अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो गया यार, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ रिफरेंस लाइन ले लेते हो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो सेट कर देते हो, तो एक पीस इधर जाने लगा तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। अगर एक बॉम्ब है पहले रेस्ट में है तो जब फूट गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हर पीस की अलग अलग होगी, ठीक है, वो एनर्जी केमिकल एनर्जी से आ रही है, ये दोनों सही नहीं है। तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है भाई। एक बॉम्ब है रेस्ट में है तो अगर वो एक्सप्लोजन हुआ फूट गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कहाँ रही, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी तो ठीक है जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस तरह से मूव करते हैं सभी पीसेस कि नेट मोमेंटम जीरो, काफी डिस्कशन हो चुका है इस पर, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कहता है एक पेग है जो 3 ग्राम है, मास 3 ग्राम है, सच दैट पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना वर्क डन होगा वो हम लोग को निकालना है। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में अगर मुझे वर्क डन निकालना होता तो मैं फर्स्ट वर्क डन क्या होता है, वैसे तो सिंपली एफ डॉट डी एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, या कॉन्स्टेंट फोर्स है तो ये मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ऐसे हम निकालते हैं वर्क डन, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे फोर्स तो निकालना ही पड़ेगा यार, तो फोर्स कैसे निकालेगा, निकालेंगे जो पोजीशन दिया हुआ, तो पोजीशन से वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी से एक्सलेशन निकाल लें और मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा प्यारे बच्चों फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx ओवर dt, तो वेलोसिटी होता है dx ओवर dt। एक बार इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, चलो करते हैं, इधर मिलेगा 3, इधर मिलेगा 8t और इधर मिला प्लस 3, 8t plus 3t, ठीक है, स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सलेशन इससे निकाल लेते हैं, तो एक्सलेशन मास ध्यान रखना 3 ग्राम है, तो एक्सलेशन a इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, तो ये आ जाएगा डीवी अपॉन डीटी, यहां से इसका डिफरेंशिएशन इसका 8 और इसका 6t। एक्चुअली एक्सलेशन वो वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है एक्सलेशन, ठीक है। तो अगर एक्सलेशन हम लोग के पास वेरिएबल है तो एक तो तरीका एक्चुअली हम 4 सेकेंड बाद एक्सलेशन ही देख लेते हैं कि 4 सेकेंड बाद एक्सलेशन कितना है, ठीक है। तो एक्सलेशन डी वी अपन डी टी एट 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड बाद एक्सलेशन कितना हो जाएगा, तो इसमें 4 रख दो तो -8 और प्लस और 6 चौके 24, यहाँ से 24 आ गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 m/s² जो है वो एक्सलेशन है, इतना हम लोग के पास एक्सलेशन आ गया। अगर हमें एक्सलेशन आ गया तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ma और मास इसका 3 ग्राम है, 3 × 10^3 kg और एक्सलेशन आ जाएगा 16, ठीक है। और 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है, 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, चलो यहां से निकाल लो 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ये दिया हुआ ना इसमें ये डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड बाद, यहाँ 4 रख दो यहाँ पे, तो 4 रख दोगे इसमें 4 रख दोगे तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4
और माइनस 4 और मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यह आ जाएगा 64, ठीक है। तो यह आ जाएगा 64, तो x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 माइनस 64 और प्लस 64, तो ये कट गया, मतलब ये आ जाएगा 12 मीटर। तो 4 सेकंड में 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया और 4 सेकंड में ये फोर्स हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स 3×10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय 16 और डिस्प्लेसमेंट 12। इन सबको कैलकुलेट कर लोगे तो वर्क डन जो आ जाएगा, वर्क मिली जूल में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 500 576 और 10⁵ मिली जूल, ठीक है। मतलब ये हम लोग का सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलो, ये कहता है टू मासेस हैं m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 3 एंड 5। देखो, अगर दो मास है हम लोग के पास, ऐसा क्वेश्चन काफी बार नीट में आया है, एक मास ये है और एक मास ये है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और m1 की जो वेलोसिटी है वो प्लस 3 है। चलो इसको मान लेता हूं मैं m1 और इसकी वेलोसिटी प्लस 3 मीटर पर सेकेंड है, और जो m2 इसकी वेलोसिटी माइनस 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों m2। क्लियर है। अगर ये दोनों इस तरह से मूव करें तो इनमें इलास्टिकली कोलिजन है, तो आफ्टर द कोलिजन क्या होता है। अब आप अगर मास इक्वल है तो आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि इस टाइप के कोलिजन में मास इक्वल होता है तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, मतलब m1 को m2 का वेलोसिटी मिल जाएगा और m2 को m1, मतलब कोलिजन के बाद जो है इसकी वेलोसिटी माइनस 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी ये इधर जाएगा वो उसकी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी बाय द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा कई बार आया, अगर आपको ऐसा ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 5 और प्लस 3 m1 m2 की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब डी ऑप्शन सही है। या नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन फाइनल वेलोसिटी m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 u1 प्लस 2 टाइम्स m1 m2 u2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर मास इक्वल है तो ये फ्रैक्शन जीरो हो गया और ये 2m और 2m खत्म हो गया, मतलब v1 इज इक्वल टू u2, इसी तरह से v2 इज इक्वल टू u1 आ जाता मैग्नीट्यूड में। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सचेंज हो जाती है। ये आप फार्मूले से भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो। चलो, ए बॉडी मूव अंडर ए डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्शन ऑफ ए फोर्स 5 न्यूटन। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और उस पर एक फोर्स लग रहा 5 न्यूटन। चलो, ये बॉडी है और फोर्स लग रहा 5 न्यूटन। हम लोगों को नहीं पता है कि वो फोर्स किधर लग रहा है, इस पर 5 न्यूटन का लग रहा है ये तो पता है। वर्क डन 25 जूल हो गया, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो, अगर ये बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है तो मान लो जो फोर्स है वो थीटा डिग्री पर लग रहा है और वो 5 न्यूटन का है और कुल मिला के जो वर्क डन है वो 25 जूल है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स वर्क डन 25 जूल हो गया, फोर्स 5 न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर हो गया और यहाँ से आ गया कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था। चलो, मेटल बॉल ऑफ 2 kg मूविंग विथ स्पीड 36 km/h हेड ऑन कोलिजन विथ ए स्टेशनरी बॉल ऑफ 3 kg। इफ आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल मूव एज ए सिंगल मास, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, मास कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। समझना इस क्वेश्चन को, कहता है ए मेटल बॉल है, इसका मास ऑलरेडी 2 kg दिया हुआ है, ठीक है, एंड मूव विथ स्पीड ये 36 km/h से चल रहा है, 36 km/h, 36 को कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 दुना 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा,
ठीक है, 18 दूना 36, 10 m/s² आ जाएगा। चलो अब दूसरा वाला था वो यहाँ पर रेस्ट था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये 10 m/s से आगे जाके इससे कोलिजन कर लिया। कोलिजन के बाद ये दोनों सिंगल कंबाइंड हो गए जिनकी वेलोसिटी कॉमन हो गई, ठीक है। तो ये मास 2 kg का था और ये 3 kg का था, ये 3 kg का था, तो कुल मिला के दोनों 5 kg के हुए। आफ्टर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी, देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इस कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी की लॉस हुई होगी वो हमें निकालना है। देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी में लॉस तभी निकाल पाएंगे जब हमें कॉमन वेलोसिटी पता हो। कॉमन वेलोसिटी क्योंकि हम जब हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालेंगे तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है लॉस निकालने का, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनली, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, हाफ, इसकी तो चली गई 0, हाफ mv² और माइनस हाफ m मान लो m1, हाफ इन दोनों का मास, ठीक है, इन दोनों का मास कैपिटल M और इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन v² तो कॉमन मास तो 5 kg हो जाएगा। तो ये कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी पता चलेगी तभी तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल पाऊंगा भाई। तो कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए एक और कॉन्सेप्ट लगाओ, मोमेंटम कंजर्व कराओ, ठीक है। चलो मोमेंटम कंजर्व करा, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 10 थी, 2 था, तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 चला गया, मतलब 10 × 2 प्लस इसका 0, दूसरा कॉमन वेलोसिटी भी हो गया और इनका मास का समेशन 5 हो गया, 3 × 2 = 5। इसका मतलब ये हुआ कि 20 और डिवाइडेड बाई 5 कॉमन वेलोसिटी भी, तो कॉमन वेलोसिटी 4 m/s आ गया। 4 m/s से ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, दैट इज द कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब ये अगर कॉमन वेलोसिटी इतना, तो लॉस कितना है, हाफ पहले वाले की मास, इसकी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 2 kg और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर 10^2 100 और माइनस इसकी तो 0 हो गई, प्लस हाफ इन दोनों का कंबाइंड मास m, ठीक है, 5 और इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी 16 बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 ने 2 को और ए आ जाएगा, ए आ जाएगा 8 × 8 = 40, 60 joule काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है, 60 joule, क्योंकि एक्चुअल जो काइनेटिक एनर्जी था, देख रहे हो कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है 100 joule है और कोलिजन के बाद जो है वो 40 joule रह गया, तो 60 joule का लॉस हो गया, ठीक है। अब वो लॉस कहाँ गया होगा, हीट, लाइट, साउंड, इन सब में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब जो लॉस हमें निकालना, तो लॉस हम लोग के पास 60 joule, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, बट काइनेटिक एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो ए बॉडी मूविंग ऑफ मास m वेलोसिटी 3 कोलाइड विथ ए रेस्ट बॉडी ऑफ मास 2 स्टिक इट। अब ये भी उसी के जैसे है, कहता है ए बॉडी ऑफ मास m kg है, एक बॉडी है जो मास m kg है और वो मूव कर रही है 3 km/h, 3 km/h से मूव कर रही है, कोलाइड विथ ए मास 2m, ये एक रेस्ट में यहाँ पहले से बॉडी थी जिसका मास 2m था, उससे कोलिजन हो गया और कोलिजन होने के बाद ये दोनों एक सिंगल बॉडी बन गए और सिंगल बॉडी बनने के बाद कोलाइड, नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ मास स्टार्ट टू मूव स्टिक, और कितनी वेलोसिटी से इनका कॉम्बिनेशन मूव कर रहा है हम लोग को निकालना। आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, सिर्फ वेलोसिटी निकालना, मोमेंटम कंजर्व करा दो, इसका इनिशियल मोमेंटम km/h में, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मोमेंटम 3m, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका मोमेंटम चला गया 0 और कंबाइंड मोमेंटम, कंबाइंड मास 3m, 2m और m, 3m, ठीक है, और इनकी कॉमन वेलोसिटी भी, तो m ने m को, मतलब कॉमन वेलोसिटी जो है 1 km/h, ठीक है, से जा रहा, मतलब 1 km/h है। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे जो सीनियर डॉक्टर बने हैं, ठीक है, जो आज से 30 साल 40 साल पहले डॉक्टर बने होंगे, 20 साल पहले, वो कितने आसान क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, बट ये है कि उन लोगों के लिए यार उस टाइम में यही डिफिकल्ट था, ठीक है ना, इट इज अ टाइम मैटर। चलो, और ऐसे क्वेश्चन आज भी आते हैं, रिपीट होते हैं, देखो ये अभी रिसेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बार बार फ्रीक्वेंटली आता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, जैसे जैसे मैं पोजीशन बदलूंगा
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वैसे वैसे पोजीशन, जैसे जैसे मैं पोजीशन बदलूंगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती चली जाएगी, और ये भी एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। तो कहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एटम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहाँ पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ होगा ये चेक कर लेते हैं, और स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा और वो स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा उसको तो बाद में चेक कर सकते हो। पहले तो ये चेक करो कि स्टेबल कहाँ होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा माइनस डी ओवर डी एक्स लग रहा होगा, ठीक है। ये अगर फोर्स जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं एक बार एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूं, उस टाइम में उस पोजीशन पे जो एक्स मिलेगा उस पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा यार, ठीक है। चलो तो इसको अगर एक बार मैं डिफरेंशिएट करूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ओवर डी एक्स एक बार लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू लिख लेते हैं, ए ओवर एक्स की पावर 12 और माइनस बी ओवर एक्स की पावर 6 दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सबको आता है डिफरेंशिएट करने, x की पावर 12 को ऊपर ले जाओ माइनस 12 बचेगा, माइनस 12 ए और x की पावर एक जोड़ दोगे तो 13 और माइनस प्लस 6 बी और x की पावर 7 दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि 6 बी x की पावर 7 इज इक्वल टू 12 ए एंड डिवाइडेड बाई x की पावर 13। तो ये टू टाइम्स में कट गया और ये ए सिक्स, ठीक है, ये एक्स की पावर 6 बच गया। तो एक्स की पावर 6 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2a अपान बी, मतलब एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2a अपान बी की पावर 1/6। ये वो पॉइंट है जिस पर इक्विलिब्रियम हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो 2ab की पावर 6 एक ही ऑप्शन है, 2ab की पावर 6 जिस पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब ए ऑप्शन सही है। आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि वह इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल है। तो एक ही ऑप्शन है तो इसलिए मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आता है, पॉजिटिव आता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। एक बार इसको डबल डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो यहाँ से, ठीक है। अगर आप स्टेबल अनस्टेबल देखना चाहते हो तो स्टेबल कब होगा, डी यू स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये होगा डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पॉजिटिव हो, ठीक है, समझ में आया। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो और इसको एक बार डिफरेंशिएट, ऐसा कई बार हम लोग करके देख चुके हैं, ए 12, ठीक है, और ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा x की पावर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x की पावर 14 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस और 6 7 और b मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 8 दैट इज ऑल इक्वल टू जीरो, ठीक है। दैट इज अभी जो हमें जीरो के इक्वेट नहीं, हमें डबल डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव प्रूव करना ना, तो ये इसका डबल डिफरेंशिएशन रहा। अब ये वाली जो वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ ले जाके रखोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू ले जाके रखोगे तो देखना कि ये फैक्टर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है प्लस वाला, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो एक्स की पावर, एक्स एक कॉन्स्टेंट रखोगे तो एक्स की पावर 14 है और ये पहले से ही ज़्यादा है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेबल है और यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये कहता है ये बॉडी मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग ए सर्कल। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, एक मिनट भाई, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सर्कल में मूव कर रही है और स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो एक ही फोर्स लगता है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमेशा याद रखो। अगर स्पीड वी मॉड कॉन्स्टेंट है, वी मॉड
कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल होती है भाई सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो उस वेलोसिटी के वेरी करने से हमेशा एक फोर्स आता है सर्कुलर मोशन में, एक तो रहेगा ही रहेगा सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, जो कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो ये कभी वर्क डन नहीं करता, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे, बट वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट जीरो, ठीक है, बट यहां है ही नहीं। चलो ये कहता है कि ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, ठीक है, एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg डिस्प्लेस फ्रॉम जीरो टू वाई वर्क डन इन दिस प्रोसेस। देखो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, तो अब ऐसे केस में वर्क डन हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वर्क डन क्या होता है बोलो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डीएक्स, ठीक है। तो एफ डॉट डीएक्स फोर्स की वैल्यू डालो 7-2x और +3x का स्क्वायर और dx, कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट का लिमिट चाहिए 0 to 5, ठीक है, 0 to 5, तो 0 to 5 दिस इज द वर्क डन। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 7x और -2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 +3x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और ये लिमिट गया 0 to 5, ठीक है। तो 0 to 5 पे पूरा लिमिट डाल दो तो इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ने 2 को, 3 ने 3 को, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो 5 और 5 लिमिट रखोगे तो 5x की प्लेस पे 5 रखोगे तो 35 होता ना, तो ये 35 और माइनस और ए 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये रखोगे तो ये 125, ठीक है, तो 125 और 55, ठीक है ना, तो 125 और ये 30 60 और 60 में 25 135 जूल, दैट इज वर्क डन, ठीक है ना। तो वर्क डन आ जाएगा 135 जूल, जो कि ए ऑप्शन सही है, और ऐसा क्वेश्चन काफी बार किए हो, आसान था ये क्वेश्चन, काफी बच्चे डाउट में लेके आते हैं, इट्स वेरी बहुत छोटा सा है बट बहुत क्यूट है और बहुत पजलिंग वाला है, ठीक है, है ना। इसका जब भी मेरे पास बच्चे डाउट लेके आते हैं वो बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, बट सच बात है कि फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो यह है छोटा पर है बहुत खतरनाक, ठीक है, खतरनाक नहीं है बट थोड़ा सा समझ की फेर है। कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, समझना इस क्वेश्चन को, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, u इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पे भी हो जाएगी, रेस्ट अंडर डायरेक्शन ऑफ ए कॉन्स्टेंट फोर्स, हमेशा एक कॉन्स्टेंट फोर्स f लग रहा है इस पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर देखोगे डायरेक्ट फार्मूला देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसलिए बच्चे फर्स्ट ऑप्शन सही कर देते हैं। बट फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम, ये बात सही है जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो, जब स्पीड कॉन्स्टेंट हो, यहाँ स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है भैया, यहाँ स्पीड जीरो था और यहाँ स्पीड भी हो गया, तो स्पीड वेरिएबल है इसलिए इस प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लिख सकता, गलत है। इसका मतलब ये हुआ जो कॉन्स्टेंट है उसके टर्म में काइनेटिक एनर्जी को लिखो, तो काइनेटिक एनर्जी का डी एक डिस्प्लेसमेंट डी हो गया और एक कॉन्स्टेंट फोर्स एफ लग गया और यहाँ वेलोसिटी भी हो गया, तो वेलोसिटी भी को एफ और डी कॉन्स्टेंट टर्म में लिख दो इस टाइम, ठीक है। चलो तो कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दो, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, तो वी स्क्वायर की वेलोसिटी आ जाएगी 2 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास और डिस्प्लेसमेंट डी हो गया, दैट इज द वी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी को अब मैं लिख सकता हूँ हाफ मास ऑफ द बॉडी और वी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा 2fd अपॉन मास, ठीक है, तो मास ने मास को, 2 ने 2 को, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू fd। एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से आई थी, वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्चुअल में जो काइनेटिक एनर्जी है वो fd है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास पे इंडिपेंडेंट है इसमें, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये, दैट इज बी ऑप्शन सही है, इंडिपेंडेंट को ऐसे ही लिखते हैं ना।
चलो, एक बॉडी है कॉन्स्टेंट टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। चलो एक बॉडी है वो वाई एक्सिस में मूव कर रही है, ये है वाई एक्सिस अपना ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं जाने दो, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लगा वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक्सप्रेशन में दिया हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस 10 जे कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में अगर 10 जे कैप हुआ तो कितना वर्क डन हुआ। अब सिंपल सी बात है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर कितना है इस यहाँ पे, फोर्स वेक्टर है -2i कैप प्लस 15 जे कैप और ये प्लस 6 के कैप और डॉट लगा दो और डी डिस्प्लेसमेंट 10 जे कैप, ठीक है। तो ये अब इनका डॉट ले दो, आई का आई, जे का जे, के का के, मतलब 150 जूल जो है वो वर्क डन होगा। आता है ना सबको डॉट लेने, आई का आई, जे का जे, के का के, बाकी सब जीरो हो गया, तो 150 जूल, ठीक है। आई का कोई है ही नहीं, जीरो हो गया, के का कोई है ही नहीं, जीरो हो गया, और जे का जे में 150 जूल, ठीक है। तो चलो, टू मास 1 ग्राम 9 ग्राम मूविंग विथ स्पीड ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन काफी बार आया है, काफी बार हम लोग किए हैं, ठीक है। दो मास है M1 एंड M2, M1 जो है वो 1 ग्राम का है और M2 जो है वो है 9 ग्राम का। तो ये दोनों हैं मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, इन सबको ई मान लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, चलो ई मान लेते हैं, कोई दिक्कत। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है, p² / 2m, ठीक है। तो मोमेंटम p = 2m और ये काइनेटिक एनर्जी √, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास √, तो देयर मैग्नीट्यूड मोमेंटम m1/f2 = m1 p1/p2 m2/m1 √। और पहले वाले के मास 1 ग्राम है, दूसरे वाले का मास 9 ग्राम है, तो 1:3 दैट इज द मोमेंटम का रेशियो जाएगा, 1:3 इज द मोमेंटम का रेशियो, ठीक है, क्लियर है। चलो ये कहता है ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और अच्छे से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो और देखो तुमसे होता है, ठीक है। एक पार्टिकल है सर्कल में चल रहा है यार, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ मास m, ठीक है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू डायमेट्रिकली अपोजिट इट्स। अब समझो, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पॉइंट से चला था, ए पॉइंट से चला था और दोबारा डायमेट्रिकली अपोजिट बी पर आ गया, यहां से चला था और डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर है, ठीक है, यहां से चला था, उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड वी जो है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, भैया जब स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कभी बदल ही नहीं सकती, ये गलत है। मोमेंटम डज नॉट चेंज, भाई जब वेलोसिटी हर पॉइंट पे वेरिएबल है तो मोमेंटम तो बदलेगा ना, ये भी गलत है। काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज ही नहीं हो सकती, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, रिडक्शन मेथड इसको बोलते हैं, रिड्यूस, ऑप्शन रिड्यूस कर दो, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम 2mb, ऑब्वियसली यहां पर मोमेंटम यहां होगा mb होगा और यहां पर मोमेंटम इधर होगा जो कि mb होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब अगर इसको वेक्टर में करना चाहते हो तो फाइनल मोमेंटम mb i कैप और इनिशियल मोमेंटम माइनस साइन माइनस mb i कैप, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 2mb I cap, that is the change in momentum in vector form. तो magnitude में कितना आ जाएगा यार, magnitude में आ जाएगा 2mb, ठीक है, मतलब C option सही है, ठीक है। चलो ये question का, तो how much water pump a 2 kW power, 2 kW power का pump लगा हुआ है, वो कितना water मतलब pump करेगा 1 minute to a height 10 meter। अब देखो हाइट 10 मीटर, ये जो पहाड़ है
ठीक है, यहां से ये, यहां से मुझे वाटर इसको पहुंचाना है 10 मीटर हाइट पे, ठीक है, 10 मीटर हाइट पर यहां से हमें वाटर पहुंचाना है इस ट्यूब के थ्रू। तो जो पंप है वो एक मिनट में कितना लीटर वाटर पहुंचाएगा, ठीक है। चलो, तो पावर जो होता है, पावर किसी भी पंप का पावर होता है वर्क अपन टाइम। अगर कोई आदमी यहाँ से ग्राउंड से 10 मीटर हाइट तक लेके जाता है तो वर्क डन उसको कितना करना पड़ेगा, बोलो, एम जी एच डिवाइडेड बाई टाइम टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास ऑफ वाटर है पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी डिवाइडेड बाई जी एच, ठीक है। तो कितना मास ऊपर गया, ठीक है, एक मिनट में। तो पावर कितना भैया, पावर है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, और टाइम है 1 मिनट, मतलब ये 60 सेकेंड, और डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 और हाइट भी 10, ठीक है। तो हाइट भी 10 और ये, तो कुल मिला के 20 ने 20 को यहाँ से ख़त्म कर दिया, और 6 × 12, ठीक है, 1200 kg मास जो है एक सेकेंड में, एक मिनट में ऊपर गया होगा, समझना। यहाँ से एक मिनट में 1200 kg ऊपर पानी गया होगा, तो हमें लीटर में चाहिए। हम सबको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10³ - 3 m³ होता है, ठीक है, ये पढ़े हो ना, 10³ - 3³। इसका मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg m³, ठीक है। तो 1 kg इसका मतलब ये हुआ, ये मीटर क्यूब ये पड़े हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर 1 kg के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि 1200 लीटर पानी ऊपर गया होगा एक मिनट में, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी, दैट वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन यहाँ हम फिनिश करते हैं। आई होप कि मतलब जितने भी मैं क्वेश्चन 70-72 क्वेश्चन कराया हूँगा, अगर आप इतना कर लेते हो तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन करते कैसे हैं, और क्या कभी इससे बाहर क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं यार, 90% चांस होता नए क्वेश्चन नहीं आते यार, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, इसके बाद आप टेस्ट दो, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप टेस्ट दो, अपने आप को टेस्ट करो, नीट लेवल का टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि जय एडवांस का लेके बैठ जाओ और हो ही नहीं रहा तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।